जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के हिंदी जर्नल एंटरटेनमेंट के चैनल सोनी पल के बारे में, जो कि जल्द ही आपके लिए चैनल का लोगो, चैनल के ग्राफिक्स और अपने सीरियल्स में एक बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये जो बदलाव है वो सोनी की ओर से डिसाइड कर लिया गया है कि अब जो है हमें इसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि अब जो है सोनी एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज लेकर आने वाला है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कुछ वक्त पहले ही सोनी और जी के बीच भी मर्ज हुआ है, और ऐसे में सोनी जो है वो बहुत ही बड़ा लार्ज जो है वो ब्रॉडकास्टर बन चुका है। तो ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी इनके तमाम सोनी ग्रुप के चैनल्स चल रहे हैं, चाहे वो सोनी हो, सोनी HD हो, सोनी मैक्स हो, सोनी मैक्स HD हो, सोनी सब हो, सोनी सब HD हो, सोनी पल हो, इसके अलावा इनके सोनी पिक्स है, सोनी सिक्स है, सोनी के जितने भी तमाम स्पोर्ट्स चैनल्स चल रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर एक नया रूप, एक नया रंग, एक नया लोगो दिया जाएगा। और उसमें सबसे पहले जो शुरुआत देखने को मिली है वो हमें सोनी पल पर देखने को मिली है, जिसकी बकायदा टेस्टिंग शुरू हो गई मिडनाइट में जो है, ये करीबन आधी रात में यानी कि 12 बजे के बाद जो है इसकी टेस्टिंग इन्होंने चैनल पर चलाई। देखा कि जब ये चैनल पर इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो किस तरीके के ग्राफिक्स नजर आएंगे और किस तरीके का लोगो स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो ये जो चेंजेस है दोस्तों, जो भी बदलाव होता है वो मिडनाइट में ही होता है, और जैसी सुबह होने वाली होती है ये वापस से उसी ही पोजीशन पर आ जाते हैं जिस तरीके से नॉर्मली चल रही हैं। तो अब ये जो नया लोगो है वो स्क्रीन पर आपको किस तरह का दिखाई देने लगेगा, और ये जो बदलाव है वो क्यों होने वाला है, और सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि DD फ्रीडिश पर जो है वापस आने से पहले ही इन्होंने जो है बदलाव करने की पहल शुरू कर दी है। अब जो नया लोगो है, नए ग्राफिक्स हैं, उसके भी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस के आगे भी सबसे पहले मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बताना चाहूंगा कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के द्वारा सोनी पल चैनल को एक नए हिंदी धारावाहिक चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1 से 2 सालों के भीतर ही इस चैनल को सोनी ग्रुप की ओर से बंद करने का फैसला कर लिया गया था, क्योंकि इस चैनल को जो है अच्छी खासी TRP हासिल नहीं हो रही थी। और उन्होंने बाद में डिसाइड ये किया कि इस चैनल को बंद ना करते हुए इसको एक रीरन प्रोग्राम के रूप में बनाया जाए, क्योंकि पहले से ही जी ग्रुप का जी स्माइल, स्टार ग्रुप का स्टार उत्सव चल रहा था, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो है कलर्स वालों ने यानी कि वाइकू मीटिंग वालों ने भी रिश्ते चैनल को लॉन्च किया था। और फाइनली सोनी पल को भी लगा कि यार हमें भी जो है अब कुछ पुराने शोज को ही, सोनी के जो भी चल रहे हैं, जो भी काफी पॉपुलर थे, उन्हीं को रन करें। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्राइवेट DTH प्लेटफॉर्म्स और केबल TV पर तो उपलब्ध पहले से ही हो गए थे जब ये नया नया लॉन्च हुआ था। बाद में उन्होंने डायरेक्ट टू होम DD फ्रीडिश को भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि DD फ्रीडिश एकमात्र ऐसा DTH प्लेटफॉर्म था जो कि पुराने कार्यक्रमों को सबसे अच्छे तरीके से TRP दिलाने में मदद करता है, क्योंकि स्टार उत्सव हो गया, जी स्माइल हो गया, या फिर रिश्ते की बात हम कर लें तो वह DD फ्रीडिश में समय से पहले ही आ चुके थे जब उसकी वे लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन सोनी पल जो था वो एक नए चैनल के रूप में लॉन्च हुआ था, इसलिए उसको आने में थोड़ा वक्त लगा, और इन्होंने भी DD फ्रीडिश में पार्टिसिपेट करवा दिया। अब एक बार फिर से दोस्तों हमने देखा होगा कि ट्राई के टेलीकॉम ऑर्डर की वजह से ये तमाम चैनल जो है देखे जाने वाले वो DD फ्रीडिश का दामन छोड़कर चले गए, लेकिन अब एक बार फिर से वो वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। और इसी बीच अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो आ चुकी है कि सोनी पल ने एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से सोनी पल का जो नया लोगो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा जब ये चैनल रीब्रांड होगा, और टेस्टिंग जो है वो बकायदा मिडनाइट में शुरू कर दी गई है, और इसके जो ग्राफिक्स हैं दोस्तों उसमें भी आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। बाकी बात रही प्रोग्राम्स की, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सोनी के जो भी हाल ही में प्रोग्राम्स चल रहे हैं और जो प्रोग्राम कुछ महीनों पहले हैं, साल पहले बंद हो गए हैं, उन सभी को भी सोनी पल पर चलाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से कपिल शर्मा शो की भी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा शो जो कि काफी अच्छा देखे जाने वाला सोनी ग्रुप का जो है कॉमेडी में, वो सोनी पल पर भी जरूर आना चाहिए। इसके लिए भी शनिवार या रविवार का जो समय है ये चुन सकते हैं, जो भी इनके पास Season 1 या Season 2 है उसको वह जरूर चला सकते हैं। आपकी नजर में क्या है आप अपनी राय दे सकते हो, और जो नया लोगो है वो पुराने लोगों के मुकाबले आपको कितना बेहतर लगा या नहीं लगा, जो भी आपके मन में सवाल हो रहे हो आप नीचे बता सकते हो। सबसे बड़ी बात यही आती है कि DD फ्रीडिश पर वापसी कब लौटेगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो है DD फ्रीडिश में खाली स्लॉट का इंतजार हो रहा है, जैसे कोई खाली स्लॉट होगा तो उसके बाद ही जो है चैनल पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं हमें फरवरी 2023 से बंधी हुई है कि फरवरी 2023 तक जो चैनल है वो वापस से DD फ्रीडिश पर कदम रख सकता है। और एक और बात आती है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नया लोगो हमारे बीच टेस्टिंग हो रहा है वो आखिर कब रीब्रांड होगा, तो दोस्तों उसको लेकर भी अभी तक ब्रॉडकास्टर ने कोई फाइनल डेट तो रिलीज नहीं की है, लेकिन टेस्टिंग शुरू कर दी है। और टेस्टिंग अगर हो गई है शुरू तो जल्द ही आने वाले समय में या फिर हो सकता है कि दिवाली पर ही
सभी तमाम सोनी के चैनल्स को रीब्रांड कर दिया जाए या फिर एक एक करके रीब्रांड करना शुरू कर देंगे। और जो नया लोगो है वो सोनी लिव ऐप की तरह ही दिखने वाला है, क्योंकि सोनी लिव जो है वो पहले से ही काफी समय पहले ही रीब्रांड हो गया था, लेकिन सोनी ग्रुप के जितने भी सैटेलाइट टीवी चैनल्स है वो अभी भी पुराने लोगों में बने हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी जो है कुछ इसी तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को मिलने वाला है।